कंगारू मदर केयर इज अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग फॉर लो बर्थ वेट बेबीज तो कंगारू मदर केयर उन बच्चों को दी जाती है जिनका वेट कम होता है एट बर्थ ठीक है इट इम्प्रूवस हेल्थ दियर बेबीज ठीक है इससे क्या होता है बच्चों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है बेसिकली ये केयर उन बच्चों को दी जाती है जिनका वेट एट बर्थ जन्म के समय बहुत कम होता है उनको कंगारू मदर केयर दी जाती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे बच्चों को ये केयर दी जाती है जिनका वेट कम होता है एट बर्थ बट कुछ केसेस में कंगारू मदर केयर दी जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ओके नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ कंगारू मदर केयर इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग एंड अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल तो कंगारू मदर में क्या होता है मदर और बेबी का आपस में ठीक है और बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग भी मिलती है एंड इससे क्या होता है बच्चा जल्दी रिकवर कर पाता है और हॉस्पिटल से भी जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है तो इतने सारे बेनिफिट होते हैं गंगारू मदर केयर के द बेबी इज कॉन्टिन्यूअस्ली कैप्ड इन स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट विद द मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिवली आरू मदर केयर के. में बच्चा कॉन्टिन्यूसली मदर की स्किन के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है और साथ में उसको स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग की केद भी मिल जाती है जिससे बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ के एम सी कंगारू मदर केयर थ्री मेजर कंपोनेंट्स आर तो उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं फर्स्ट वन इज़ कंगारू पोजीशन आपने कंगारू एनिमल देखा होगा ठीक है तो उसकी जो पेट है वहाँ पे एक पॉकेट होती है जहाँ पे वो अपने बच्चे को रखता है ठीक है इससे उसका बच्चा बिल्कुल स्किन के साथ अटैच होता है बिल्कुल स्किन टू तो स्किन कॉन्टैक्ट होता है बच्चे और मदर का इसीलिए इस केयर का नाम पड़ा है कंगारू मदर केयर तो इसकी पोजीशन जो होती है कंगारू पोजीशन होती है मतलब स्किन टू तो स्किन कांटेक्ट नेक्स्ट कंपोनेंट आता है इसका कंगारू न्यूट्रिशन ठीक है जब स्किन टू तो स्किन कांटेक्ट रहेगा बच्चा ब्रेस्ट फीड ईजिली कर पाएगा उसका स्पेशल केयर मिलेगी तो उसको न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलेगी थर्ड जो इसका कंपोनेंट है दैट इज़ कंगारू अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप जब इस तरह से बच्चों को केयर दी जाएगी तो उसका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा बच्चे की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगी और उससे क्या है हमें हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज मिलेगा उसके बाद अपना रेगुलर फॉलोअप लेते रहें नेक्स्ट आते हैं हमारे पास व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ के एम सी के एम सी के कंगारू मदर केयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा बेनिफिट्स टू द बेबी बेनिफिट टू द मदर बेनिफिट्स टू द फैमिली एंड बेनिफिट्स टू द नेशन तो इनको हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स टू द बेबी बेबी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं ऑफर्स प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मदर्स तो लंबे समय तक बेबी का स्किन टू तो स्किन कांटेक्ट हो जाता है मदर के साथ के फैसिलिटेट फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन बेबी जितने भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे वो भी स्टेबल हो जाते हैं जब भी कंगारू मदर केयर दी जाती है नेक्स्ट इज के एमसी रिड्यूस एपनिया ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू द बेबी कंगारू मदर केयर हेल्प करता है टू रिड्यूस एपनिया अपनी क्या होता है एक कंडीशन होती है जब बच्चे की सांस रुक जाती है थोड़े समय के लिए ड्यूरिंग स्लीप कंगारू मदर केयर से क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है एपनिया और साथ के साथ इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं नेक्स्ट इज के एम सी हेल्प इन अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबीज फ्रॉम निको ठीक है और इससे क्या होता है बच्चे को हेल्प मिलती है कि वो जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है निक्कू से निक्कू मींस न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट अब बात करते हैं बेनिफिट्स टू द मदर के एम सी प्रमोट बेटर मदर इन्फेंट बॉन्डिंग देखिए जब बच्चा स्किन टू तो स्किन कॉन्टैक्ट रहेगा लंबे समय तक मदर के साथ तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपस में क्योंकि वो रेगुलर ब्रेस्ट फीड करेगा माँ के पास रहेगा तो उससे मदर और इन्फेंट की बॉन्डिंग ज़्यादा होती है नेक्स्ट इज मदर इज लेस स्ट्रेस ड्यूरिंग के एम सी एज द मदर इज मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द केयर देखिए जब बच्चा कॉन्टिन्यूसली मदर के पास रहेगा तो उनकी बॉन्डिंग तो होगी होगी और माँ को थोड़ा स्ट्रेस भी कम होगा क्योंकि बच्चा उसके पास है तो एक्टिव होके बच्चे की केयर करेगी और अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान देगी नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू द फैमिली के एम सी इज इकोनॉमिकल टू द फैमिली के एम सी प्रमोट अर्ली डिस्चार्ज ऑफ बेबी के एम सी फैसिलिटेट बॉन्डिंग बिटवीन द बेबी मदर एंड द फैमिली तो फर्स्ट जो बेनिफिट है फैमिली के लिए वो है कि कॉस्ट फ्री है कंगारू मदर के लिए कोई पैसा नहीं लगता सेकेंड आता है कि इससे क्या होता है बच्चा उनको जल्दी मिल जाता है जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और नेक्स्ट आता है इससे बॉन्डिंग बढ़ती है मदर और बेबी के बीच तो बढ़ती बढ़ती है बट साथ के साथ फैमिली के साथ भी बच्चे की बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू द नेशन नेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं के एम सी डिक्रीजिंग न्यूनेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट तो इससे क्या होता है बच्चे का डेथ रेट और डिजीज रेट कम होता है कंगारू मदर केयर से तो ये हमारे नेशन के लिए अच्छा है के एम सी इज सिंपल इजिली एप्लीकेबल कॉस्ट इफेक्टिव ये इजी प्रोसीजर है और कॉस्ट इफेक्टिव है एंड लास्ट आता है के एम सी डी इन हेल्थियर एंड मोर इंटेलिजेंट बेबीज कंगारू मदर केयर से बच्चे को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी बच्चा हेल्दी होगा बच्चे की के केयर अच्छे से होगी तो बच्चे इंटेलिजेंट भी होंगे जो हमारे नेशन के लिए देश के लिए बेनिफिशियल है अब बात करते हैं कंगारू मदर केयर का प्रोसीजर कैसे दिया जाता है प्रोसीजर ऑफ के एम सी सबसे पहला स्टेप है प्रिपेयरिंग फॉर के एम सी वेन द बेबीज रेडी फॉर के एम सी मदर एंड फैमिली मेंबर शुड बी काउंसल्ड सो दैट अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ क्रिएटेड फॉर के एम सी जब बच्चे को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है के एम सी के लिए तो उससे पहले हमारा काम है हमने मदर को फैमिली मेम्बर्स को काउंसल करना है रिगार्डिंग के एम सी कंगालू मदर केयर क्या होती है और क्यों दी जा रही है जिससे कि फैमिली का एटीट्यूड जो है पॉजिटिव रहे और हमारा जो प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए नेक्स्ट पॉइंट इज मदर शुड बी प्रोवाइडेड विद द फ्रंट ओपन गाउन एंड द बेबीज ड्रेस्ड विद कैप सॉक्स नेप्पी एंड फ्रंट ओपन स्लीवलेस शर्ट तो मदर को ऐसा ड्रेसअप करना है कि उसका जो गाउन है फ्रंट से ओपन हो सो so दैट वो ब्रेस्ट फीड अच्छे से करवा पाए और अपने बेबी को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में ले पाए और बच्चे को फुली कवर करना है कैप पहनानी है सॉक्स पहनानी है नैपी लगाना है और बेबी को ऐसी टी शर्ट पहनानी है शर्ट पहनानी है जो फ्रंट से ओपन हो सो so दैट उसका और मदर का स्किन कॉन्टैक्ट प्रॉपरली हो सके और मदर की प्रॉपर हीट बच्चे तक पहुँच सके अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की दैट इज कंगारू पोजिशनिंग प्रिपेयरिंग के बाद बच्चे को प्लेस करना है मदर की ब्रेस्ट के अपराइट जैसे कंगारू अपने बच्चे को कैरी करता है वैसे ही हमने भी बच्चे को मदर की ब्रेस्ट में अपराइट पोजिशन में रखना है और मेक श्योर करें कि बच्चे का जो हैड है वो एक साइड हो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंडर हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड अबडक्शन इन अ फ्रॉक पोजिशन द आर्म शुड आल्सो बी फ्लैक्सड बच्चे के बाजू और हिप को फ्लैक्सड रखना है मतलब लचीला रखना है और उसको जो पोजिशन देनी है वो फ्रॉक की देनी है जैसे मेंढक होता है ना वैसे उसको पोजिशन देनी है बेबीज एबडाम शुड बी एट द लेवल ऑफ मदर्स एपी गैस्ट्रीम और बच्चे का जो पेट है वो कहाँ पे होना चाहिए मदर के एपी गैस्ट्रियम के लेवल तक हैप्पी गेस्ट्रियम मीन्स अपर पार्ट ऑफ द एबडामन जो मदर का अपर पार्ट है एबडामिन का वहाँ पर बच्चे का एबडामन प्लेस करना है नेक्स्ट स्टेप आता है फीडिंग का मदर शुड बी एक्सप्लेन हाउ टू ब्रेस्ट फीड वाइल द बेबी इज इन के एम सी पोजिशन तो मदर को इंस्ट्रक्ट करना है एक्सप्लेन करना है कि बच्चे को कैसे फीड करवाना है जब वो कुमारू मदर केयर पोजिशन में है अब लास्ट स्टेप आता है मॉनिटरिंग बेबीज रिसीविंग के एम सी शुड बी मॉनिटर केयरफुली स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस तो हमें प्रॉपरली मॉनिटर करना है कि बेबी प्रॉपर तरीके से के को रिसीव कर रहा है कि नहीं वो प्रॉपर मदर के कॉन्टैक्ट में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में है कि नहीं प्रॉपर फीड कर रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रही है तो सारी चीज़ें हमने मॉनिटर करनी है स्पेशली जब वो इनिशियल स्टेजेस पे हो बिकॉज शुरू शुरू में दिक्कत आती है कि मदर को भी इतना पता नहीं होता जैसे जैसे टाइम बढ़ता है मदर भी हैबिचुअल हो जाती है उसको भी पता लग जाता है कि हम मैंने कैसे केयर प्रोवाइड करनी है बच्चे को सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक कंगारू मदर केयर आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय टेक केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग